किसी भी देश की ग्रोथ में एडुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एडुकेशन सिस्टम किसी भी देश की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण होता है। ऐसे ही एक देश है जापान। जापान की एडुकेशन सिस्टम बहुत ही अलग है। वहाँ पे प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंटों को ग्रेड 4 तक कोई एग्जाम भी नहीं देना पड़ता है। वहाँ पे 1-2 साल कलर मिक्सिंग के ऊपर ही सिखाया जाता है। 10 साल तक तो वहाँ पे मैनर्स ही सिखाया जाता है। उसके साथ ही जापान के स्कूलों में थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी एक साथ कराया जाता है। जापान की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छा है। और क्यों ना हो, जिस जगह की एडुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है वहाँ का ग्रोथ तो होना ही है। अब इंडिया के एडुकेशन के बारे में कुछ बात करें तो इंडिया की एडुकेशन सिस्टम बहुत कुछ ठीक है और कुछ इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। इंडिया की बात करें तो हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुइसाइड करने की कोशिश करता है। इससे पता चलता है कि पढ़ाई उन लोगों के लिए एक बोझ बन गई है। भारत सरकार इसके ऊपर काम कर रहा है कि इसको कैसे रोका जाए। रिसेंटली भारत सरकार ने बहुत सारे प्लान लिए हैं कि इंडिया की एडुकेशन सिस्टम को और कैसे बेहतर बनाया जाए। इस बार के बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एडुकेशन के ऊपर बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि इनोवेशन और रिसर्च के ऊपर फोकस करना, भारत के एडुकेशन इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाना जिससे कि बाहर से भी स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने आए, और स्किल डेवलप करना। ये तो हुए वर्तमान के एडुकेशन के बारे में। आज मैं भारत की कुछ ऐसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के बारे में बताने वाला हूँ जो उस समय में पूरी दुनिया में मशहूर थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक काल में सबसे पहली विश्वविद्यालय थी तक्षशिला। इसकी स्थापना हुई थी 2700 साल पहले और उस समय वहाँ का कुल छात्राएं थे 10,500। 64 डिफरेंट फील्ड के बारे में वहाँ पे शिक्षा दिया जाता था, जैसे कि वेदास, ग्रामर, फिलोसॉफी, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, कॉमर्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होकर निकलने वाले छात्राएं थे चाणक्य, अर्थशास्त्र के सबसे बड़े पंडित पाणिनि, चरक एक्सेट्रा। वर्तमान के तक्षशिला पाकिस्तान में है और उसे तक्ष के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पे है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त डायनेस्टी के राजा शक्रदित्य ने बनाया था और ये वर्तमान बिहार में है। ये दुनिया का ऐसे पहले विश्वविद्यालय थे जहाँ पे छात्र और शिक्षक का रहने का बंदोबस्त था। इस विश्वविद्यालय में दूसरे देशों से जैसे कोरिया, जापान, चाइना, तुर्की के छात्र पढ़ने के लिए आते थे और वहाँ के लाइब्रेरी दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरी थे। बख्तियार खिलजी के सेनाओं ने 1200 CE में वहाँ पे आक्रमण करके उस विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल पास किया था और इसे फिर से बनाने में चाइना, सिंगापुर, जापान अपनी तरफ से सहायता करेंगे। तीन नंबर पे है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला को पाला डायनेस्टी के राजा धर्मपाला ने बनाया था और ये वर्तमान भागलपुर पे है। उस विश्वविद्यालय में कुल 100 शिक्षक और 1000 छात्राएं थे। ये विश्वविद्यालय तंत्र शास्त्र में नंबर 1 पे थे। चौथे नंबर पे है पुष्पगिरी। इस विश्वविद्यालय को कलिंगो के राजाओं ने बनाया था। वर्तमान ये उड़ीसा में है। इस विश्वविद्यालय का कैंपस 3 पहाड़ों में फैली हुई है, जैसे कि ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी। पुष्पगिरी में 639 CE में चाइना के पर्यटक ह्यूएंगसांग घूमने के लिए आए थे। अशोका के बनाए हुए कुछ बुद्ध के छवि भी यहाँ पे पाया गया है। ऐसे ही कुछ और भी विश्वविद्यालय उस समय में थे और वहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दे, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। धन्यवाद।